आज दी नूरानी महफले पाक जनाबे मोहम्मद शाइस ताहिर, मोहम्मद नफीस ताहिर, मोहम्मद इमरान ताहिर, मोहम्मद रिजवान ताहिर, इन्हां दी अम्मी जान मरहूमा मगफूरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा और जनाब मोहम्मद ताहिर हुसैन साहिब उन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा जिन्हां दे साले सवाब दी महफले पाक विच असीं हाजिर हां। दुआ करने अल्लाह ताला मरहूमा नूं करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और लवाहे कीन नूं सबरे जमील अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम। ये जड़ियाँ महफलां तुसीं सजा के बैठते हो ये महफलां बदबख्तानियां नहीं होंदियां बल्कि खुशबख्तानियां होंदियां। और अगर कोई बदबख्त इन महफिल विच आ जाए वो भी बदबख्त नहीं रहिंदा बल्कि खुशबख्त बन जाता है। सारे आखो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की पाकी तुसा बयान करनी है, मेरा तो जिक्र करना नहीं, तुसा किसी चौधरी चीमे चठे का जिक्र नहीं करना, अल्लाह की पाकी बयान करनी है। तो ये तो भी इराज कर दे जेड़े बंदे ते जनाबे मोहतरम मोहतशम ताहिर हुसैन साहिब नाल इसाले सवाब करने वास्ते आयो सवाब की नीयत ते आयो वह तो आखो सुबहान अल्लाह। तो जेड़ा मुँह विखाण आया बिने शक ना बोले। कई बंदे घरों चौधरी बन के आ जाते हैं भी असं महफले चलें तो मौलवी के बोलन तो असा नहीं आखनी सुबहान अल्लाह। वो बेशक उठ के चला जाए वह चौधरी होएगा तो घर होएगा इतने उन्हें आना जरा मुस्तफा का नौकर है तो नौकरी बन के ब्याह करो तुहाडी मेहरबानी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर आया करीमा मैं आप हजरात के सामने तिलावत की है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वाले वाले दई मेरा शुक्र अदा करो और अपने वाले दैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कैसी तरतीब मलहूज रखी है कि पहले अपना जिक्र किया है नाल ही मिला के वाले दैन की अजमत का जिक्र किया है। गोया कि रब सानू दसना चाह रहा है कि मैं आसमाना ते पालन वाला रब हाँ वालिदैन जमीन ते पालन वाले रब। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद दे सिर्फ इसे मुकाम ते ही पहले अपनी तौहीद दा जिक्र और नाल ही मुत्तसिलन वालिदैन दी अजमत दा जिक्र नहीं फरमाया बल्कि फरमाया वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैन इहसाना। इबादत किसे होर दी नहीं करनी सिवाय रब तो। और दूसरा अमल वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना। इत्थे भी रब्बे कायनात ने पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया नाल ही वालिदैन की अजमत का जिक्र किया। फरमाया ला तुशरिकू बिही शैयअन बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ताला दा किसे नूं शरीक नहीं ठहराना और वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आना। जरा सोचो तो सही अल्लाह ताला अपने जिक्र नाल बार बार मिला के वालिदैन की अजमत का जिक्र क्यों फरमा रहे हैं? की हिकमत है? किसी पिंड किसी मोहल्ले किसी बस्ती किसी करिए किसी पिंड कोई बंदा रहा हो असी तो ना इन्ने जानते हुई या पिंड वाले एड्डी रिस्पैक्ट ना करते हो कोई एम एन ए आके बार बार वह जिक्र करे कोई एम पी ए बार बार वह ना लवे कोई पीर आके बार बार उदा जिक्र करे तो लोग सोचना शुरू कर देंगे असी तो इन एडी प्रेफर नहीं करते एम पी ए बार बार यदा ना क्यों लेंदा है एम पी ए या एम एन ए बार बार यदा जिक्र क्यों करता है या पीर बार बार यदा जिक्र क्यों करता है। वो लोगों की नज़र च आला हो जाएगा पता चलिया जिदा जिक्र एम एन ए करे या जिदा जिक्र एम पी ए करे
जिदा जिक्र कोई पीर करे वह लोगों की नजरे चाला हो जाता है। तो सोचो जिन्हों का जिक्र रब अपने जिक्र नाल मिला के कर रहा, उन्हां दी शान ते अजमत नूं कौन पहुंच सकता है। और अगे फरमाया उफ्फिम बला तनहर हो मां, वालिदैन दी शान ते अजमत ए वे अगर तुहानूं झिड़कदे भी ने ते अगों उफ तक नहीं आखणा। इमामे राजी ने उफ दे बड़े माने बयान कीते ने, जिन्हां तो सब तो सलीस माना उफ दा ए वे कि अगर वालिदैन तुहानूं झिड़कदे ने ना ते उन्हां दी अख विच अख पा के भी नहीं वेखणा। नजरां नीवियां होण ते उन्हां दीआं झिड़कां सुणदे रहो, अगर आखे चख भी पै गई तो बेअदबी शुमार हो जाएगी। यानी उच्ची साह तक नहीं लेना, ये है वालिदैन दा अदब। और सिर्फ कुराने पाक ने इसका जिक्र ही नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की अजमत का जिक्र बारहा मरतबा फरमाया। अकाल इस्लाम ने फरमाया जन्नत तहता अकदाम उम्महात, जन्नत तुहाडे मावां दे कदमां थल्ले। अल वालिद औसत हू अबवाबुल जन्ना, और बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है। यानी मां दी खिदमत करिया जन्नत मुकद्दर ते बनेगी, पर जन्नत दा दरवाजा उदों खुलेगा जदों बाप राजी होवे। इन्हां दोवां दी रजा बिल्कुल जरूरी है। और मेरे आका अली सलाम दा फरमान है रदी अल वालिद व रदी रब्बे वसखत अल वालिद वसखत अल रब्बे, वालिदैन की रजा में रब की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में रब की नाराजगी है। अगर कोई बंदा यह चाहता साडा रब साडे ते राजी होवे, वो अपने वालिदैन नूं राजी करे। मेरा ख्याल है किसी का दिल नहीं करता किसी दिन मापे नाराज होण ते अल्लाह भी उहदे ते नाराज हो। रब की नाराजगी तो कोई नहीं चाहता। तो तरीका दस दिता है कि जब तुसी रब की नाराजगी मोल नहीं ना लै सकते तो फिर वालिदैन नाल प्यार करिया करो। चूंकि मां के हवाले नाल अज दा प्रोग्राम है, अरबी लुगत विच मां नूं उम आख्या। कुराने पाक ने उम नाल ताबीर फरमाया मां, और इहदा माना है मान जाना। तुहाडी तवज्जो है ना मेरे वल, उम दा की माना है मान जाना। यानी इहदी तशरीह विच उलमा ने लिखिया है कि अगर किसी वक्त वालिदा अपनी औलाद नाल नाराज भी होवे ना ते ओदी जिद अगे मन जांदी, या औलाद की परेशानी नहीं वेख सकती ते मन जांदी। और दूसरा मां दा माना है इमाम बनाने वाली। ये लुगात ने जो माना लिखा है उम का, इमाम बनाने वाली। यानी कायनात कोई गौस है, कोई कुतब है, कोई अबदाल है, कोई औताद है, वो किसे मुकाम ते भी है, फरमाया वो मां दी वजह तो। और इसे लफ्ज़े उम तो मैनू एक मां याद आ गई। अबुआ दा मकाम है ते हुजूर दी उम्र 6 साल, ते हुजूर दी वालदा माजदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आप दी हालत अलील हो गई ते हजरत उम्मे ऐमन नाल ने, हजरत उम्मे ऐमन सैयदा आमिना पाक दी कनीज ने, आपने हजरत उम्मे ऐमन नूं बुला के आख्या मेरा वक्त करीब है, हुण वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ते मापियां दे टुर जाण तो बाद औलाद कंधा नाल लग लग के रोंदी है, ते मेरे पुत्र दा ख्याल रखी इहदियां अखां विच अथरू ना आउण। हजरत उम्मे ऐमन कहंदियां बीबी आमिना केड़ी गल पई करनी है, हजरत आमिना कहंदियां तू नहीं जानदी मैनू एक गल दा बड़ा भरोसा है, मेरा ना क्यामत तक जिंदा रहना है। आमिना इंज दी गल क्यों करनी है, आख्या मेरा पुत्र ओ पुत्र है जिदी आमद आसमाना दे सितारे जुक जुक के मेरे घर वल सजदे कर देने, जिदी आमद ते सितारे जुक जुक के मेरे घर दे सजदे करन, वो कोई आम बच्चा नहीं वो कायनात दा वाली बन के आया है। ते जदों जदों लोग ओदा जिक्र करनगे ओ नाल ओदी मां दा भी जिक्र करनगे। जदों जदों लोग मेरे पुत्र दा नाम लैणगे ते नाल ओदी मां दा नाम भी लैणगे।
नाल ओदी मां दा जिक्र भी करनगे। उम्मे अमन मेरे बच्चे दा ख्याल रखी। हजरत हजरत आमिना पाक दा जदो विसाल हो गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हथा नाल नन्ने नन्ने हथा नाल अपनी मां दी कबर ते पत्थर लाए ने। हजरत ओ हाथ केड़े न, अज लोग फतवा देंदे न नबी पाक दी मां ने कलमा नहीं पढ़िया वो ते मोमिना नहीं। मैं क्या बदबख्ता, वो तुम नबी दी मां दे बारे च ये गल पिया करना है, वो मोमिना नहीं इत्थे दलील अर्ज पिया करना। हजरात नबी पाक ने अपने नन्ने नन्ने हत्थां नाल अपनी मां दी कबर ते पत्थर लाए। उन्हां हत्थां दी शान की है, उन्हां हत्थां दा मकाम की है, मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे हत्थ की ने। इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए ओ हत्थ ने जिन्हां दियां कसमां रब्बे कायनात ने कुरान च फरमाइयां। हज़रात हत्थ ओ ने, हजरत सैयदा ज़हरा पाक दे घर आका तशरीफ लै गए, आप रोटियां पका रही ने, आका मौज जा गए, एक पेड़ा फड़िया चंड के तंदूर चलाया, आप परां जाके बह गए। हजरत फातिमा पाक तंदूर दे कोल खड़िया रही, आका फरमाया बेटी उरां आ जा। अर्ज की बाबा जान जड़िया मैं लाइया ने वो कदों दिया पक गई, जड़ी तुसा लाई है अजे कच्ची है। आका फरमाया इनू अग किवें लगे, हाथ में मुहम्मद दे लग गए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। है बैठे ही इत्थे ना कोई सुभान अल्लाह, ना कोई माशाल्लाह, ना कोई गल ना बात। जे तुसा नहीं इंज करना सुभान अल्लाह नहीं आखनी, जे नहीं तुसा बोलना तो फिर इत्थे आए कादे वास्ते। इसाले सवाब भी नहीं करना, जो कुछ तुसा इत्थे बह के आखना है ना वो मरहूमा वास्ते तोशा आखरत बनना है। निरा मेरा ही टेल ना ना वेखो, अगर पा खून मेरा लगता है तो कुछ टाकी टाकी तुहाडा भी लगना चाहिए। सुभान अल्लाह आख उची आवाज ना, जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दी पाकी मनदा है वो आखे उची सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नु आका दे जलील अल कदर गुलाम, आप फरमांदे ने आका नु एक दिन अपने घर दावत ते बुलाया। सरकार ने खाना खाण तो बाद जिस रुमाल नाल हाथ साफ कीते ने, रब्बे काबा दी कसम ओ रुमाल अगर अज भी मैला हो जाए असा कदे पानी नाल नहीं धोता, अग विच रखने आ वो साफ हो जाता है। वो पता चलिया जिस सुमा जिस आटे नू आका दा हाथ लग जाए उन्हू अग ना साड़े, जिस रुमाल नू आका दा हाथ लग जाए उन्हू अग ना साड़े। जिस मां दी कबर ते आका ने अपने हाथ नाल पत्थर लाए उस मां दी कबर विच दोजख दी खिड़की किवें खुल सकती है। इसे वास्ते असी सारे मिल के होई कहने आं ओ दे रोजे जई ओ थां कोई ना, ओ दे रोजे जई ओ थां कोई ना, सुन जिया पुत कोई ना, ओ सोने जिया पुत कोई ना, ओ दी मां जई ओ मां कोई ना, सुन जिया पुत कोई ना, ओ दी मां जई ओ मां कोई ना, सुन जिया पुत कोई ना। हजरात हुण मेरे आका मस्जिद तशरीफ लै गए ते सियापा इकराम आका वल वेख के उठ के खलो गए, आका दियां अखां विच अथरू आ गए। हजरात गुलाम अर्ज कर देन आका रोंदे क्यों, हालात भी ऐसे नहीं क्यों रोए हो, आका अखां विच अथरू क्यों आ गए। आका फरमाया
गुलामो किसे दी जिंदगी वेच औखे वेले गुजरे होण अचानक सौखे वेले आ जाण ओनू दे पिछले वेले ओ याद आ जांदे न अगर मेरी माया मिना अज हयात होंदी जिवें तुसी उठ के खलोते हो मेरी मां किन्नी राजी होंदी रब्बे कायनात ने मेरे पुत्र नूं किन्ने मर्तबे अता कीते और ये जुमले हमेशा ओदे वास्ते बोले जांदे ने जेड़ा ईमान वाला हो और मेरे आका फरमाया मैं नमाज पढ़ता हूं दा ये तिर्मिज़ी की हदीस है फरमाया मैं नमाज पढ़ता हूं दा नमाज इस कुरान की तिलावत करता हूं दा ते मेरी माँ आवाज मार दी बेटा मुहम्मद उरा फरमाते ने मैं नमाज छड़ देंदा अपनी माँ दी गल सुन लेंदा ये है रुतबा माँ का और आज भी ये कानून है अगर नफली इबादत कोई बंदा करता हो ना नफल पढ़ता हो या कुरान की तिलावत करता हो तो माँ या बाप इन दोनों में कोई भी आवाज मारे नफली इबादत नु मौकूफ करके उन्हें दी गल सुनो वरना बेअदबी हो जाएगी ये मकाम है बल्कि मैं तर्ज करना कि मेरे आका दी ये हकीकी माँ है मेरी सरकार ने ते उस माँ का इतना अदब किया है जिन्हें हुजूर नु दुध पियाया बुढ़ी जी माई ते लाठी टेक दी मदीने में आई ते पुछ दी फिरे पुत्र मुहम्मद नहीं वेखिया ते सहाबा परेशान ने भाई ये बीबी कौन है जड़ी हुजूर नु पुत्र कह के पुकार रही असी ते आका कहने यार सूल्ला कहने ए अम्मा कौन है जड़ी पुत्र कह के पुकार रही है एक नबी पाक दा गुलाम आया अर्ज की अम्मा चल तेनू आका दे बार गए च लै के चलना हूँ मां लै मां नू लै के नबी पाक दे सियाबी टुर पे अगे सरकार अपने गुलामां दे जुर्मट च बैठे हुए ने इंज चमक रहे ने जिवें चौदवी रात दा चन चमकदा पिया है नबी पाक दे गुलाम जनाबे वाला जदों हुजूर में उस मां नूं आउंदियां वेख्या रब्बे काबा दी कसम है ओए लोगो सरकार ने अपने नलैन नहीं पाए नंगे पैरी दौड़े उस मां दे कोल गए मां ने बाजू पसार ले जफा पा लिया मुंह मत्था चुम के मां नूं आका लै के अपने मसनत ते आ गए ओ फजल दी चादर बिछाई जिस चादर विच जिबरील वही लैके आउंदा रहा ओ चादर थले बिछाई मां उत्ते बैठ गई आका नाल गल्लां करन लग पई आका फरमाया गुलामो मेरी मां नूं ए दो रेवड़ बकरियां दे इन्ने पैसे दे दियो गुलामां ने अर्ज कीती आका हुक्म दी तमील आका खुद मां नूं थोड़ी दूर छड्डण वास्ते गए जदों आका वापस आ गए गुलाम अर्ज कर देने आका ए अम्मा कौन है ए नबियां दा ताजदार अगर इशारा करे पत्थर बोल दे इशारा करे दरख्त टुर दे ने आका अम्मा कौन है जिदे वास्ते कायनात वाली उठ के खलो जाए और फजल दी चादर बिछाए जिदे विच जिबरील वही लेके आए आका फरमाया गुलामो ए मैनू दुध पिलाण वाली मेरी मां हलीबा है सुन लो जिस आका दी नजर विच दुध पिलाण वाली मां हलीमा दा ए मकाम है ओदे सामने आमिना दा की मकाम होए नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया और नबी पाक साहब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा एक आशिक सादिक है जिदा नाम है अवैसे करनी ओनू मेरी मोहब्बत का सिला मिलया ही तां अपनी मां का बड़ा अदब करता सी पता चलिया हुजूर की मोहब्बत अज भी ओनू ही मिलनी जिहड़ा मापिया नाल प्यार करन वाला जिहड़ा बेअदब ते गुस्ताख है हुजूर की मोहब्बत ओनू भी नहीं मिलनी अल्लाह की रहमत का साया भी ओहदे तो उठ जांदा जिहड़ा मापिया नाल रवैया सख्त इस्तेमाल करे हर साल हज ते चला जाए उमरे करे और तहज्जुद पढ़े
उस तहज्जुद दा उस कुरान पढ़े दा उस नफल नवाफल पढ़े दा उन्हें कोई फायदा नहीं जब तक ओदे मापे ओदे राजी नहीं। असा कदी इन्हां चीज़ां नूं फोकियत ही नहीं दित्ती। अब्बा को गल कह दे ते कहने अब्बा जी तुहानूं की पता लै जिन्हें पाल के जवान किया उन्हें अज पता ही किसे गल दा। अम्मा जी तुसी की जानदे हो जिन्हें तेनों 9 महीने पेट च रखे हो जानदी कुछ नहीं। और जदों बच्चे की पैदाइश होंदी है ना 101 दर्द एक सैकंड च औरत दे जिस्म चो निकलदी। और मेरे आका दा फरमान है अगर उस हालत अगर औरत अपने खालक के हकीकी नूं जा मिले या दुनिया तो रुखसत हो जाए फरमाया वो शहादत का जाम हासिल करती है। अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। ते जदों तकलीफ बर्दाश्त करन तो बाद ओ औरत अपने बच्चे नूं सलामत वेख लैंदी है ओदी सारी दर्द तकलीफ खत्म हो जाती। फरमाया यही सिला है जो माँ के अदब का बायस बनता है। औलाद को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने रहम किया है उनके लिए दुआएं करें हुस्ने सलूक से उनके साथ पेश आए। वरना दीन और दुनिया भी गई कब्र और हशर भी गई। ऐसा कभी इतनी इस चीज में फोकियत नहीं देती। इधरों शादी हो गई उधरों बीवी पीछे लग गए तो मापे भूल गए फिर लुका लुका के चीजा लिया जेब च पा के कोलों नहीं लंघना तो जे मां ने या प्यो ने पूछ लिया की आ जंदरा उन्हें कहा तेरी अकल नहीं बज गया है। सारी जिंदगी कदी मां प्यो नू जी नहीं आख्या शादी हो जानी है तो नवे कपड़े पा कितने चले जिया नू लैन वो फटाफट जी बन गए अम्मी अबे नू कदी जी नहीं आखना। ये साडा तरीका है बन गया फी जमाना चल रहा है कि मापिया की कोई इज्जत नहीं कोई अदब तो कोई एहतराम नहीं। लेकिन हुजूर फरमाया वैसे करनी मेरा बड़ा आशिक है पर उन्हों भी मेरी मोहब्बत का सिला ता मिलया है जो अपनी माँ का अदब करने वाला सी ओदी माँ अखा तो नबीनी सी ते एक दिन माँ के कदम दबादिया हुजूर दी याद आ गई हैं हजरात सिसकियां बज गई रोन लग पे मां कहंदी है पुत्रा रोना क्यों है आख्या अम्मा ओदी याद आ गई जिदे नाल लाइया ने आख्या पुत्रा की चलना है अम्मा इजाजत दे ते ज़ियारत करावा मां कहंदी है पुत्रा जे तू चला गया ते मेरी देखभाल कौन करेगा अखां तो नबीनियां रोटी कौन देवेगा। हजरात मां दा हुक्म मन के रुक गए अगर मां दे हुक्म नूं टाल के अगर हुजूर दी बारगाह च पहुंच गया हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया अवैस किधर जाएगा आका नाराज हो गए फिर की करेगा। हजरात रुक गए कुछ महीनों तो बाद एक दिन मां दे फिर कदम दबादिया हुजूर दी याद आ गई पुछया बचिया हुण क्यों रोना है आखिया अम्मा अगर इजाजत देवे उस सोने दा दीदार ते करावा। ये पता उन्हों है जिन्हों लगी होवे मियां साहब फरमांदे ने ओ कसम खुदा दी पना खुदा दी औखे जख्म जुदाइयां पिछले लोग जुदाइयां कोलों ते देंदे गए दुहाइयां ओ लंबी रात जुदाइयां वाली ते पल पर सखियां बाने ओ जेड़ा रोग इशक दा कैदी अते सोयो ही दर्द पछाने। अदरा तुनू पुछ के वेखो जिन लगी हुई है अर्ज की अम्मा इजाजत दे हुजूर दा दीदार करके आ जावा मां कहती है पुत्रा चला जा पर वसीयत याद रख लई पुत्रा जा के छेती आ जाई। हजरात हुण मां दी गल मन लई रखते सफर बनिया मदीना पाक आ गए हजरत आयशा पाक दे हुजरे दे करीब आ के कुंडी खड़काई है एक नींद बार आई पुछदी है कौन है आख्या मेरा नाम अवैस करन विचों आया हुजूर दे दीदार वास्ते अगर आका है ने तो बुलाओ उन्हें क्या हुजूर ते किते गए ने मस्जिद च बह जाओ इंतजार कर लो आका आ जाणगे ते दीदार कर लेना। ते ज़हन च सोच आ गई मां ने ते आख्या सी छेती आ जाई अगर देर हो गई ते मां नाराज हो जाए
अम्मी नाराज हो जाएगी तो हुण मैं की करा सरकार नूं देर भी हो सकती आउण लगे ते वापसी दा सफर शुरू कर दिता जदों शाम पई ना ते हुजूर तशरीफ ले आए आका अलैहि सलाम ने पुछया अज कौन आया सी आए अज कौन आया सी हजरत आयशा कहंदियां तुहानूं पता किवें लग्या है आका फरमाया जिहड़ी खुशबू मैनूं यमन च आउंदी सी ना वो खुशबू अज मैनूं अपनी दहलीज तों आ रही है हुजूर उहदी गल करदे हो जिहदे जिहदे सिर विच वी गर्द सी जिहदी दाढ़ी विच वी मिट्टी सी जिहदे कपड़े पसीदा जाए ते सफर दी थकान हुजूर फरमाया आयशा ओही मेरा उवैस है ते अल्लाह ताला ने उस उवैस दी दुआ नाल मेरी गुनाहगार उम्मत दी बख्शिश फरमा दे ये है मां के अदब का सिला ते जदों हजरत वैसे करने अपनी मां दी बारगाह च पहुंचे ते रोंदे पए ने मां कहंदी है पुत्रा हुण ते दीद कर आया रोना क्यों है आखे अम्मा जे दीद कीती होंदी ते रोंदा क्यों तेरा हुक्म मन के वापस आ गया फरमाया पुत्रा ओ रोना बंद कर दे जिथे अबू बकर कहणगे आका मैनू तुहाडे नाल प्यार है उमर कहणगे सानू आका नाल प्यार है उस्मान कहणगे सानू आका नाल प्यार है अली कहणगे आका नाल प्यार है ओ लोकी कहणगे ओए लोको सानू आका नाल बड़ा प्यार है ओ पुत्रा तेरी मां हाथ चुक के ये दुआ करेगी आका कहणगे ओए लोगो तुहानू मेरे नाल प्यार है पर मैनू अपने अवैस नाल बड़ा प्यार ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵੈਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋਂ ਕਦ ਕਰਨ ਕਬੂਲ ਜੁਦਾਈ ਕਦ ਕਰਨ ਕਬੂਲ ਜੁਦਾਈ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਚੱਕਰਨ कर लैन कबूल गदाई मालो दौलत पेश चकरण कर लैन कबूल गदाई आजम ओस की जन्नत जाना जिस मां दी कदर न पाई आजम ओस की जन्नत जाना जिस मां दी कदर न पाई अदरा तवज्जो करो पुत्र पंजा सालां बाद अपनी मां दे कोल आया अजे पुत्र राज के मिलिया भी नहीं पुत्र दा नां की है बायज़ीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ते मां अपने पुत्र नाल प्यार करदी है ओ पुत्रा पंज साल तो बाद मेरे घर आया पुत्रा मेरे कोल बैठ मां दी इज्जत व अजमत कर रहे हैं पंजा सालां तो बाद मां दे मैं कदमां च आ गया हज़रात रात पै गई सर्दियां दी रात होवे ते मां ने पानी मंगया पुत्र बायज़ीद पानी ते पिया पुत्र उठिया ते पानी दा प्याला लैके जनाब पानी दा प्याला लैके जदों मां दे सराहने गए ने वेख के ते हैरान हो गए मां आराम कर चुकी है हुण जगाया इस वास्ते नहीं कि मां अगर उठ खलोती आराम च खलल आ जाएगा लेकिन पानी दा प्याला लैके ओए लोगो सारी रात अपनी मां दे सराहने खलोते रहे ने उतों परा नहीं होए सारी रात नहीं सुते तहज्जुद वेले मां उठी वो कोई अज दी मां वर्गी नहीं सी जड़ी 12 बजे उठ के पहला म्यूजिक लाए फिर आटा गुणे वो मां केड़ी मां है जड़ी तहज्जुद गुजारे वो माए थी के जिनके गोद में इस्लाम पलता था ओबामा सवेरे उठ के तहज्जुद पढ़ दियां सन ओ वुजू कर दियां सन फजर दी नमाज पढ़ दियां सन फिर उसे वुजू नाल आटा गुंदियां सन हर पेड़े ते बिस्मिल्ला पढ़ दियां सन जेड़ा बच्चा ओ रोटी खांदा सी
कोई गौस बनता सी, कोई कुतुब बनता सी, कोई अब्दाल बनता सी। हजरात अज दी मां सवेरे म्यूजिक ला के रोटियां पकाए, उस तो रब्बे काबा की कसम उठा के आना, ये रोटियां खान वाला बच्चा कदी भी नबी का नौकर नहीं जे बन सकता। ये जदों भी बनेगा टेररिस्ट ते एक्टर ते बनेगा। ते नबी दे नौकर जांदे हो फिर मावां नूं अपने हालात बदलने पैणे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मां भी कुरान की तिलावत करने वाली होवे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बाहर जाते सन तो लोग आप वल वेख के सुबहान अल्लाह माशाला कई की जुबान तक कलमा जारी हो जाए। एक दिन माँ को आन के आंदे ने अम्मा जदों भी बाहर जाना लोग सुबहान अल्लाह माशाला तो चेहरे वल वेख के कलमा पढ़ते हैं। माँ कहती है खबरदार ये ना सोची मेरे इलम का कमाल है, ना यही सोची मेरे अमल का कमाल है, ना यही सोची मेरी वलायत का कमाल है। अम्मा कदा कमाल है? फरमाया मैनू पैदा करने वाले की कसम है मेरे पाक दुध का कमाल है। आज तक जो भी तेन दुध पिलाया बेवजू नहीं पिलाया, बावजू होके पिलाया। अगर हर मां का ये तरीका हो जाए तो बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी सारी रात मां के सराने खलोते रहे। मां तजद वेले उठी वेख्या पुत्र जागदा, पुत्रा सुता नहीं। आख्या मां तुसा पानी मंगया सी, मैं पानी लैके आया, तुम सो चुके सो। मैं क्या दोबारा मंगया तो देर ना हो जाए। मैं खलोता रहा मां दी उस वेले पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला रहमत दा दरवाजा। हुजूर ने उस मां ने हाथ चुके आख्या मालिका ये सारी रात मेरे अदब च खलोता रहा, इन्हें अपने आराम वल नहीं वेख्या, मेरी खिदमत वल वेख्या। मेरे मालिका कायनात है जिन्नी देर तक जिंदा या जिन्नी देर तक दुनिया लोग ये दा नान लै लै के जीण, नहीं तो सानू की जरूरत है मिंबरां ते खलो के बाई जी का जिक्र करिए। ओदी मां दी दुआ है कि 14 सदियां तो बाद भी उन्हां दा जिक्र होंदा रहना। ये वो है जिन्होंने वालिदैन का एहतराम किया। और दूसरा लफज है अब बाप, इनू अरबी लुगत ने अब नाल तबीर किया है। अब दे मुख्तलि माने भी बयान किए ने, अब चाचे भी कहें, अब प्यो भी कहें, अब दादे भी आखते। लेकिन मैं अब वालिद के हवाले नाल गल करन लगा। अब दा माना है जड़ा लुगत ने बयान किया वो है बहार है, जिन्हों तुसी अब्बा आखते हो वो साढ़े घर की बहार है। हुण तो तुसी अब्बे ही हो सारे, चलो मां नाल ते कोई मुखालफत होएगी तो तुसा सुभान अल्लाह नहीं आखी। हुण तो सारे अब्बे हो, तुहाडी शान है, तुसी आख छड़ो अपनी शान सुन के सुभान अल्लाह। अल्लाह अब इसका माना है बहार। और अब दा दूसरा माना जड़ा उलमा ने बयान किया है वो है तैयार, यानी उन्होंने इसकी तशरीह में लिखे है कि इसका यह मतलब नहीं पर नवे कपड़े पा के सिर ते पग शग बन के ते खुस्सा पा के हर वक्त तैयार होने वाले नूं अब्बा आंदे नहीं, नहीं। अपनी औलाद के हर दुख हर तकलीफ हर परेशानी नूं हर वेले हल करने वास्ते तैयार रहना। हर वक्त अपनी औलाद की दुख तकलीफ नूं हल करने वास्ते तैयार रहना, यानी औलाद की दुख ते तकलीफ वालिद को नहीं वेखी जाती। 950 साल तबलीग की हजरत नूह ने, जदों कश्ती बनाई ना तो सारे बिच बह गए, पुत्र नहीं बैठा सामने, अखां ते रुड़दा पिया। आख्या या अल्लाह पुत्र, फरमा खबरदार मेरा ना आखिया, अगर मेरा आख्या ना तो मेरा पुत्र ते तेरी नबुवत जान का भी खतरा है, तेरा हुंदा ते तेरे नाल बह जांदा, ये तेरा नहीं। रब ने भी कह दिता तेरा नहीं, इनू अपना ना आखी, ते पुत्र भी कह रहा मैं तेरी नहीं मननी, हट धर्म हो गया, अखां दे सामने डुबदा ते नू फिर भी आंदे ने करब है ना, एक रब है ना, ओ पुत्र इधर आ जा, ओ पुत्र साडे कोल आ जा। आख्या बाबा तेनू उन्हें भी आख्या अपना ना आख ते मननी तेरी मैं भी नहीं, ते फिर भी इंज क्यों कहना है? फरमाया अल्लाह दा नबी होने दे नाते नाल मैं तेनू नहीं बुला रहा, एक बाप होने दे नाते नाल बुला रहा, क्योंकि वालिद दी शफकत ते मुहब्बत ए वे अपनी औलाद नू तकलीफ विच नहीं वेख सकता। मैं
तेन किख लवान तू मेरिया अखा सामने मर जाए अखा के सामने डुब जाए पुत्र लकड़ी का काम कर रहा है शिकर दोपहर लगी लकड़ी का काम कर रहा पुत्र इधरों भी पसीना वग रहा है इधरों भी पसीना वग रहा है कपड़े पसीने शराबूर ने ते बाप आन कहिंदा पुत्रा छड़ दे काम किन्नी धुप्प है पुत्रा तेरा भैड़ा हाल हो गया पुत्र छड़ दे ओ पुत्र छावे कर लै काम ओ पुत्रा तू मोठ खलो ओ पुत्रा अज छड़ दे कल कर लई ओ ठंडे होए कर लई बाप समझांदा ते पुत्र मनदा नहीं बाप ने सोचा इन्हें मेरी नहीं मनी वह घर गया उन्हें अपना पोतरा यानी ओदा ही पुत्र कम अंदरों चुक के लिया करीब जाके बिठा दिता अजे मिनट पांच नहीं गुजरे अल्लाह करे तो अनु मेरी गल समझ च आ जाए अल्लाह करे समझ च आ जाए है पुत्र नू लिया के ना उदे कोल बिठा दिता ते मिनट पांच नहीं शाह जी गुजरे इधरों भी पुत्र दे पानी इधरों भी पसीना काम छड़ के आंदा अब्बा जी कित्थे लाए हो वेखते नहीं धुप किन्नी है ते गर्मी किन्नी है इहदा ते चेहरा ही वेख लो पसीने नाल शराबूर हो गया इहदे कपड़े वेखो पसीने नाल भिज गए अब्बा जी चुको ते छावे ला जाओ जाओ अंदर ला जाओ बाप दियां अखां च अथरू आ गए कहण लगा पुत्रा एक घंटा हो गया ये लफ्ज़ तेनू मैं कह रहा ते तू मेरी नहीं मनी तेनू अपने पुत्र दा सेख आ गया पर तवी ते किसे दा पुत्र है ये है बाप जो अपनी औलाद की किसी तकलीफ को ना देखे करबला दे मैदान च हुसैन पाक ने अपने पुत्र नू खुद तैयार किया खुद सवार किया खुद इजाजत दी है पुत्रा जा हुण अली अकबर की सवारी टुरी तो हुसैन चले अली अकबर की सवारी तेज हुई तो हुसैन तेज हो गए सवारी दौड़ी तो हुसैन दौड़ पे पुत्र ने कदम दिया हट सुनी सवारी ने रोकिया रोक के थल्ले उतर के अब्बा जी दे कोल आए बाबा आपे ही तैयार करके आपे ही सवारी ते सवार करके आपे ही हुक्म दिता ही टुर ते जे मेरी सवारी चली है तो तुसी चले हो सवारी तेज हुई तो तुसी तेज होए हो सवारी दौड़ी तो तुसी दौड़े हो अब्बा जी की वजह है हुसैन दी अखां च अथरू आ गए फरमाया बेटा काश तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा तेरा भी कोई जवान अली अकबर हुंदा नवासा रसूल होने के नाते मैं चाहना तू दीन ते कुर्बान हो जाए पर हुसैन एक बाप भी है जेड़ा चाहता नहीं बाप की शफकत नहीं चाहती कि औलाद की जवानी बाप के सामने लुट जाए ये है अब ये है बाप और एक गल ज़हन च रखा जे जेड़े बंदे अज इन्हां दी कदर नहीं ना करदे वो भुल जाण पे जन्नत दा भूआ भी वेख सकदे वालिदैन दा एहतराम जिहदी नज़र च नहीं सिर्फ इह ना पे मां दी शान बयान करी जाओ ते अब्बे नूं पुछे कोई ना बाप भी उन्ना ही दर्जा रखदा सिर्फ मां का हुसन सलूक इस वास्ते ज्यादा वो हकदार रखे है कि मां बच्चे नू अपने पेट च रख के नौ महीने जड़ियां मुसीबत बर्दाश्त करती है वो बाप नहीं बर्दाश्त करता लेकिन मुकाम बाप का भी उन्ना ही है अब्बा ओवे जड़ा उस औरत का मजाजी खुदा है जिन्हों तुसी मां आख दे इना वास्ते सिला रहमी भी होनी चाहिए कुरान ने नहीं आख्या मां बाप का इज्जत गुजारने ते अदब करना है या मां बाप जड़े ने पांच वक्त दे नमाजी ने अदब करना ना वो नहीं भी नमाज पढ़ते फिर भी तुहाडा हक बनदा तुसी अदब करो लेकिन ये आखो पढ़िया करो हजरत अबू हुरैरा हजूर दी बार गई सवेरे आए शाम तक बैठे रहे हजूर फरमाया जांदा क्यों नहीं घर अर्ज की हजूर केड़े घर जावा जदों भी घर जाना मां तुहाडे गिले करदी है अका ने फरमाया अच्छा तो फिर भी वो तेरी मां है तू जाया कर और फिर भी तेरी मां है तू जाया कर हुण हजरत अबू हुरैरा की आंदे अर्ज की हजूर मैं एक गल अर्ज करा मेरे आका फरमाया करो अर्ज की आका तुसा फरमाया जन्नत मां दे कदमा थले ते जिदे कदमा थले मेरी जन्नत है वह क्यामत वाले दिन दोज़ख जाए क्योंकि तुहाडी मुनकर है मुसलमान नहीं ते मैं उहदा पुत्र हाँ तुहाडा गुलाम हो के मैं जन्नत जावा ते हजूर जे हाथ चुक के दुआ ही कर दौ तो मेरी मां भी जन्नती हो जाए जिदे पैरां थले मेरी जन्नत है वह भी जन्नती हो जाए और तुम्हें पता है रब्बे जालनी मुकीम सला ते ममिन दुर्रियति रब्बाना व तकब्बल दुआ रब्बाना गफिरनी वाले वाले दैया वाले मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब अगर बंदा पांच वेले नमाज पढ़े तो पांच वेले ही अपने मापियां वास्ते दुआ करता है इस वास्ते सिला रहमी औलाद के दिल च भी होनी चाहिए है जो अपने मापियां वास्ते दुआ करे उन्हां दी बख्शिश ते बुलंदी दराजात की दुआ करे हुजूर ने फरमाया ठीक है
आका ने हाथ चुक लिया। अबू हुरैरा कहते ने मैं दौड़ना शुरू कर दिता तो मैं सोचा अज वेखना वा नबी की दुआ पहला पहुंचती है कि मैं घर पहला पहुंचना। इजाबत ने जो कर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद इनायत का जोड़ा और नूरानी सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने हाथ चुक दिते। अबू हुरैरा कहने मैं दौड़ पिया जब दरवाजे ते जाके गया कुंडी खड़काई अंदरों पानी ते चलन की आवाज आ रही है जिमें कोई वजू पिया करता है। मां कहती है पुत्रा रुक जा मैं हुणे आई वजू पई करनी आ। फरमांदी नाले मां दरवाजा खोल दिए नाले जुबान ते कलमा जारी अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमांदे ने पैदा करन वाले दी कसम है मैं जान गया मुस्तफा दी दुआ पहला पौनी। तो ये सिला भी औलाद के जिम्मे है तो वालिदैन वास्ते भी दुआ करे और जे अगर जिंदा ने तो ना दी खिदमत करे। अगर दुनिया तो रुखसत हो गए ने तो कबर ते जावे। पीर दी कबर नु चुम्मण तो आला हजरत ने मना कीता है कि जड़ा बंदा पीरो मुर्शिद दी कबर ते जांदा है वो दस कदम पिछे हट के ते फिर दुआ करे। अगर तुसी कबर नु चुमोगे तो लोकी आखणगे सजदा पिया करदा है। इस वास्ते इस खराफात इन्हां तो बचण वास्ते बेहतर है वे पीर दी कबर ते जाके दस कदम पिछे हटो ते फिर दुआ मंगो। लेकिन मापिया दी कबर नु चुमण दा हुक्म दिता है। फरमाया जो वालिदैन की कबर मां या बाप की कबर को बोसा देता है ऐसे ही है जैसे उसने जन्नत की दहलीज को चूम लिया है। कई बेचारे एहोजे भी होंदे ने जिहड़े नहीं उत्थे जा सकदे या उमरा नहीं कर सकदे या हज नहीं कर सकदे ते ओह हुण हज करन ही ना। हुजूर ने लोकां वास्ते किड्डी आसानी पैदा फरमा दित्ती। फरमाया जेड़ा बंदा सवेरे उठ के एक नजर मुस्कुरा के उसने सलूक नाल ते प्यार नाल अपने मापियां वाल वेखे अल्लाह उन्हों घर बैठे ही मकबूल हज दा सवाब अता फरमाए। होनी सुभान अल्लाह कह छोड़ो मकबूल नहीं मबरूर हज दा सवाब। और मबरूर उस नूं कहंदे ने जिहदी बख्शिश दे विच कोई किसे किस्म दी कोई आड़ ना होवे। यकीनी बख्शिश यकीनी मकबूलियत। तुहाडे विचों बहुत सारे बंदे ने जिहड़े उमरा हज करके आए ने मैं तुहाडे कोलों एक गल पुछ लैना कोई तुहाडे विचों बाजू खड़ा करके आखे मैं हज कीते ने इन्ने ते जिन्ने वारी गया मैनूं किसे ने सनद दित्ती है हाजी साहब तुसीं हज कीता बड़े नसे भजे हो आ फड़ो तुहाडा हज कबूल हो गया। कोई बंदा दावा नहीं कर सकदा। दो मरतबा मैं भी गया मैनूं किसे सनद नहीं दित्ती वी शाह जी तुहाडा हज कबूल या तुहाडा उमरा कबूल ना किसे नहीं आखिया। लेकिन हुजूर की सनद दे रहे फरमाया जिहड़ा बंदा एक बारी उठ के अपने मापियां वल मुस्कुरा के खुशी दी खुश दिली नाल वेखे अल्लाह नूं मबरूर हज दा सवाब दिंदा है। सियापा ने अर्ज की हुजूर जे को दो बारी वेखे फरमाया दो मबरूर हजां दा सवाब। हुजूर जे को दस बारी वेखे फरमाया दस मबरूर हजां दा सवाब। हुजूर जे कोई बार बार वेखे फरमाया मेरे रब दे खजाने च कोई कमी नहीं जिन्ने वारी वेखेगा उन्ने मबरूर हजां दा सवाब अल्लाह अता फरमाया। सोचो तो बंदा इत्थे बैठे भी हज ना करे तो किड्डा बद नसीब है। इस वास्ते सानू चाहिए इन्हां दा अदब करना एहतराम करना। मैं आखिर ते कोई जुमला बोलना चाहना। सांगला हिल तो आया सैयद ज़्यादा मुसाफिर भी हाँ सारिया मैं तुहानू नहीं जानता भावें मैनू इत्थे 17 साल हो गए ने जुमा पढ़ांदे। मैं मंडी सफदराबाद 17 साल मैनू हो गए जुमा पढ़ांदे ते मैनू अपने गुआंढियां दा भी नहीं पता मस्जिद दा मैनू किसी के नाँ का नहीं पता हालांकि बंदा वाकफीयत क्योंकि मैं इन्ना मेरा मतलब नहीं किसी नाल एडा घुलिया मिलिया। लेकिन मैं तुहानू सारिया नहीं जानता कुछ नू मैं जानना सब नू नहीं जानता। सैयद ज़्यादा ए मैं तुहाडे सामने हथ जोड़े ने सच्ची दस्या जे तो मेरा कद छोटा हो गया। तुसी मेरे तो वड्डे भी हो मेरे जिड्डे भी हो तो मेरे तो छोटे भी बैठे हो। मैं हाथ जोड़े ने मेरा कद छोटा नहीं होया। मैं तुहानू ना जानदिया होया तुहाडे अगे हाथ जोड़े ने मेरा कद छोटा नहीं होया। तो जे तुसी घर जाके नाराज मापिया सामने हाथ जोड़ लोगे तुहाडे भी कद छोटे नहीं हो जाने। अल्लाह भी राजी हो जाएगा उहदा रसूल भी तुहाडे ते राजी हो जाएगा। दुआ कर रहे अल्लाह ताला इमरान भाई और इन्हां दे जितने भी रफका ने भाई ने
इन्हां दे वालिद साहब ने अल्लाह ताला इन्हां नूं सबरे जमील अता फरमाए और इन्हां दी अम्मा मरहूमा मकफूरा रहमतुल्लाह अलैहा नूं अल्लाह ताला जी गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, गुनागार जो माशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। गुनाहगार बंदा ते जन्म दे फरिश्ते उन्हों जन्म वल लैके जा रहे होंगे ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम दौड़ के हजूर दी बारगाह च, हजूर उम्मती तुहाडा होवे ते दोज़खे जा रहे हो ते उम्मती पुकार के हजूर दी बारगाह च, गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा तो खुल जाएंगी ज़ुल्फ़ें, सर सजदे में होगा तो खुल जाएंगी ज़ुल्फ़ें, फिर उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे, फिर उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। या अल्लाह गुनाहगार ने बदमाल ने सियाकार ने या अल्लाह क़यामत वाले दिन किवें बख्शे जाणगे, अल्लाह फरमाएगा ए प्यारे ए भावें गुनाहगार ने बदमाल वाला सौ फयोती कर भुख फतर दुआ असा ते तेनू ही राजी करना है, जिमें तू आखेगा असी उंज ही कर देंगे। सुना दो ये मुईदा सुना दो, सुना दो सुना दो ये मुईदा सुना दो, होगा वही होगा जो यार कहेंगे, होगा वही होगा जो यार कहेंगे। पर याला पुल सिरात वाल नालों बरीक ते तलवार नालों तेज, ए गुनाहगार ने बदामाल ने सियाकार ने या अल्लाह किवें गुजरणगे, अल्लाह फरमाएगा सोनिया ये तेरे नाल प्यार करन वाले न ये तेनू जाण वाले न, अबू जहल वर्गे नहीं अबू लाब वर्गे नहीं, ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। माँ मरे ते मापे मुकदे अते वीर मरण बेड़ा वेला, ओ माँ मरे ते मापे मुकदे ते वीर मरण बेड़ा वेला, ओ बाप मरे मुहम्मद बख्शा भई मुक जांदा जे मेला, ओ मां मरे
मोहम्मद बख्शा भाई मुक जांदाज मिला ओ पाप मरे सिरों साया उठदा ओ पाप मरे सिरों साया उठदा अते वीर मरण कंड खाली ओ मां मरे मोहम्मद बख्शा ओ कौन करे रखवाली ओ मां मरे मोहम्मद बख्शा भई कौन करे रखवाली इको साके मां दे ओ साग वर्गा पुत्र पावे जमाने दा ओ बली होवे नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वर्गा ओ पाई पाया दे ओ दर्दी होंदे ते पाई पाया दिया बावां ओ बाप सिरदा ओ ताज मुहम्मद अते मावां ठंडियां छावां ओ बाप सिरदा ओ ताज मुहम्मद अते मावां ठंडियां छावां वमा अलिया इल्लल बलाकुल मुबीन।